ये देखिए बरेली कॉलेज है और बरेली कॉलेज की लाइब्रेरी है। यहाँ पर सुबह से कर्मचारी आंदोलित हैं, लंबे अरसे से इन कर्मचारियों का धरना चल रहा था। कर्मचारियों को भरोसा दिलाया गया था कि मई का उनका वेतन भी निकल जाएगा और उनकी सेवाएं शायद एक्सटेंड हो जाएंगी, लेकिन आज जैसे ही कर्मचारियों को पता लगा कि मई का वेतन भी शायद उनको नहीं मिल पाएगा और 109 कर्मचारियों की छटनी कर दी जाएगी, केवल 60-61 कर्मचारी रखे जाएंगे पुराने वाले और आउटसोर्सिंग से बहुत सारे कर्मचारी लाने की तैयारी चल रही है। ऐसा भनक लगते ही कर्मचारियों की एक सभा भी लाइब्रेरी में हुई है, प्राचार्य का घेराव हुआ है। हम आपको वीडियो दिखाएंगे लगातार बैठक में आज क्या क्या कर्मचारी नेताओं ने प्रबंध समिति के सचिव देवमूर्ति पर आरोप लगाए हैं। निर्माण में घपलेबाजी से लेके धन के दुरुपयोग के खुले आरोप कर्मचारी संगठन के नेताओं ने लगाए हैं, हम वो सभा भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कर्मचारियों का कहना 6,300 रुपये की वेतन की खातिर, तनख्वाह की खातिर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा, परेशान किया जा रहा है। भाई बेहिसाब निर्माण करा के लाखों रुपए का चूना अनियमित तरीके से लगाया जा रहा है। वो भवन भी दिखाएंगे जिसका निर्माण इन दिनों बरेली कॉलेज में परीक्षा भवन के पास में चल रहा है, जिसके बारे में कहा यह जा रहा है कि टेंडर की प्रक्रिया बगैर अपनाए पारदर्शिता को दरकिनार रख के उस भवन का निर्माण हो रहा है। हम वो भवन भी आपको आज दिखाएंगे। प्रिंसिपल की बात भी सुनवाएंगे कि प्रिंसिपल ने अपनी क्या सफाई दी है डॉक्टर अजय शर्मा ने। फिलहाल आंदोलन गरमाने के आसार हैं। कर्मचारियों ने चेतावनी दे दी है कि अगर उनके संग अन्याय हुआ, उन्हें बाहर निकाला गया, आउटसोर्सिंग से कर्मचारियों की भर्ती की गई, तो वो बरेली कॉलेज में तालाबंदी भी कर देंगे। दाखिले का दौर चल रहा है, वाकई तालाबंदी होती है तो इस ऐतिहासिक और बड़े कॉलेज में उत्तर भारत के अव्यवस्था फैल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बड़ी संख्या में कर्मचारी आ रहे हैं। बचाओ। ये देखिए ऐतिहासिक बरेली कॉलेज, बरेली की लाइब्रेरी है और वैसे तो यहाँ पर स्टूडेंट पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में बैठते हैं इन कुर्सियों पर, लेकिन आज बैठे हैं यहाँ पर कर्मचारी। बरेली कॉलेज कल्याण सेवा समिति के पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं और ये खास मकसद से बैठे हैं। प्रबंध समिति की तरफ से एक पत्र आया है जैसा कि कर्मचारी बता रहे हैं और उस पत्र में करीब 109 कर्मचारियों को छटनी की बात कही गई है। आउटसोर्सिंग से कुछ कर्मचारी रखने हैं और जो पहले से काम कर रहे कर्मचारी उनको आउट करना है, बाहर करना है। इस बात की भनक जब इस कर्मचारी संगठन के लोगों को लगी है, कर्मचारी फिर से आंदोलित हो गए हैं। बरेली कॉलेज की लाइब्रेरी में देखिए बैठक चल रही है और इससे पहले इन कर्मचारियों ने बरेली कॉलेज के प्रिंसिपल दफ्तर में भी धरना दिया था, अपनी बात कहने का प्रयास किया था। नतीजा शायद सिफर ही है, अभी हल कुछ नहीं निकला है। अब माना जा रहा है कि कल से यह आंदोलन एक बड़ा रूप भी ले सकता है, एक छोटी सी चिंगारी बड़ी भी हो सकती है। गांव लखनऊ आपको दिखा रहा है बैठक और हम दिखाएंगे और भी बात कराएंगे प्रिंसिपल और चीफ प्रॉक्टर से भी। परेशान होकर के बाकायदा आंदोलित हो गए हैं क्योंकि लगातार 2 महीने से बरेली कॉलेज में इन अस्थायी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है और कर्मचारियों से यहाँ के प्राचार्य ने ये झूठा आश्वासन दिया है कि आप लोग काम करते रहिए, हम आपको वेतन देंगे। और लगातार जब जब प्राचार्य जी से संपर्क किया गया, उनका कहना था कि आप लोगों को वेतन मिलेगा, आप लोग काम करिए। इस दौरान लगातार हम लोग 3 बार जिलाधिकारी महोदय से मिले। जिलाधिकारी महोदय ने भी आश्वासन दिया था कि हम पिछली बार की फाइलें भी सारी निकलवाएंगे और देखेंगे क्या मामला है, लेकिन 2 महीने तक लगातार जिला प्रशासन से संपर्क रहने के बाद हमारी बात को नहीं सुना गया। और अंततः आज वह दिन आया है जब यहाँ के जो कार्यालय के मुख्य कार्याधिकारी लोग हैं, उन्होंने हमारे कर्मचारियों को मौखिक रूप से ये कह दिया कि आप लोग अपने प्राचार्य से बात करें
जो वेतन है मई का वो अभी बनने की स्थिति में नहीं है और कम से कम 61 लोगों को रखा जाएगा और 109 लोग आपके आउट होंगे। ताक पे रख के तमाम काम किए जा रहे हैं, यहाँ वित्तीय अनियमितताएं हैं, यहाँ पैसे की गड़बड़ियाँ हैं और मैं लगातार जिला प्रशासन से कह भी रहा हूँ, डीएम साहब से भी कहा है कि यहाँ भारी हेर फेर हो रहा है पैसे का, इस बरेली कॉलेज की आप जाँच कराइए। और जो ये लोग कह रहे हैं कि पैसा नहीं है, पिछली बार प्रबंधन ने बने जो यहाँ कमिश्नर साहब हैं डीएम साहब हैं उन्होंने इसी बात की जांच कराई कि बरेली कॉलेज में पैसा है या नहीं है, उस बार भी ये कह रहे थे पैसा नहीं है और आज से कम 5 साल पहले इन्होंने 100 लोगों को आउट किया था तब भी ये कह रहे थे पैसा नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बरेली कॉलेज में लगातार 6 साल से बरेली कॉलेज का एक प्रबंधन का सचिव जो देवमूर्ति जी है तब से एक रोना रोया जा रहा है कि पैसा नहीं है, आखिर बरेली कॉलेज में पैसा कहाँ गया? और 6 साल तक माननीय देवमूर्ति जी ने इस बरेली कॉलेज को क्या दिया? क्या केवल यही दिया कि बरेली कॉलेज के पास आज पैसा नहीं है, बरेली कॉलेज को कंगाल कर दिया? और अगर कंगाल है, अस्थाई कर्मचारियों को देने के लिए वेतन नहीं है तो बरेली कॉलेज में बड़ी बड़ी इमारतें क्यों बनाई जा रही है? डॉक्टर, बरेली कॉलेज आज कुछ संविदा कर्मचारी बरेली कॉलेज प्राचार्य कक्ष में आए थे, बैठे रहे, जमीन पर धरना दे, क्या मुद्दा था मैम? देखिए, बरेली कॉलेज के अस्थाई कर्मचारी विगत सत्र में भी काफ़ी लंबे समय तक हड़ताल कर रहे थे और इस सत्र में भी उनकी मांग ये है कि उनको 31 मार्च के बाद उनके जो हस्ताक्षर नहीं हुए हैं उस अवधि के वेतन का भुगतान किया जाए। तो उसी संबंध में वो हमारे प्राचार्य जी से वार्ता करने आए थे, उनको कल 3 बजे का समय दिया गया है कि आप आइए और वार्ता कीजिए। क्या ये बात सही है? कोई प्रबंध तंत्र से पत्र आया, उसमें बड़े पैमाने पर छंटने की बात कही जा रही है? नहीं, प्रबंध हाल फिलहाल कोई पत्र आया? नहीं नहीं, ऐसा कोई पत्र प्रबंध समिति का नहीं आया जिसमें छंटने की बात कही गई है। थैंक यू। जैसे कि चर्चा है कि इस भवन को योगी जी की सरकार में बिना टेंडर के पास करके लाखों रुपए का चूना प्रदेश सरकार को लगाने की तैयारी चल रही है, जो हम दिखाएंगे आपको उत्तर प्रदेश में पूरी कवरेज, गाँव गाँव लखनऊ आपको दिखाएगा इसकी पूरी डिटेल कवरेज। हम बात करेंगे सिलसिले में देवमूर्ति से, जो कि यहाँ के सचिव हैं, प्रबंध समिति के प्रिंसिपल से बात करेंगे और संबंधित अन्य लोगों से भी बात करेंगे। बराबर में एक नया भवन बन रहा है जिसकी सरिया लगी दिख रही है, कहा जा रहा है कि ये अनियमित तरीके से बगैर टेंडर की प्रक्रिया अपनाए, जैसे कि योगी सरकार में प्रत्येक चीज़ की खरीद फरोख्त और निर्माण कार्य में टेंडर बहुत अनिवार्य है, इस प्रक्रिया में इस बिल्डिंग के भवन के निर्माण में टेंडर की प्रक्रिया पूरी न अपना के निर्माण कार्य हो रहा है, क्या कहेंगे प्राचार्य साहब? ये जो भवन पहले बन चुका है उसी का विस्तार है, नई बिल्डिंग नहीं है, देख लीजिए उसी से सटा हुआ इसका विस्तार हो रहा है, एक्सटेंशन है और पुराने टेंडर पर ही इसका काम चल रहा है। गाँव गाँव लखनऊ के लिए वह बरेली से संजीव गंभीर।